हम लोग संसद का घेराव करने जा रहे हैं। हमारी तीन मांगे हैं कि इस देश में जो दोहरी शिक्षा नीति है उसे बंद करके एक समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की जाए। सभी अमीर गरीबों का इलाज एक ही अस्पताल में हो। सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के उनका राष्ट्रीयकरण करे। और हमारी जो तीसरी मांग है और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है, गया का जो महाबोधि विहार है जहाँ भगवान बुद्ध की पावन स्थली है उसे बौद्धों के हवाले किया जाए और उसमें जो हिंदू देवी देवताओं का हिंदूकरण कर रखा है उसे बंद किया जाए। और साथ ही साथ संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की इस मोदी सरकार की मंशा है उसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही आह्वान करते हैं कि जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा वो एक दिन हिटलर की मौत मरेगा। यही हमारी तीन मांगे हैं जिनको लेकर के हम आज संसद भवन का घेराव कर रहे हैं। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले समय में आमरण अनशन पर बैठेंगे, इस मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और अपने हकों को लेकर के रहेंगे। सर एक बात बताइए, 9 अगस्त को संसद मार्ग पे पार्लियामेंट जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जलाई थी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। संविधान की प्रति जिन लोगों ने जलाई थी उसे मोदी सरकार का पूरा संरक्षण है, क्योंकि यह सरकार सांप नेवले की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों की बात करती है, दूसरी तरफ बाबा साहब द्वारा निर्मित जो संविधान है उसे जलाने वालों का संरक्षण करती है। मोदी सरकार की सह पर ही संविधान की प्रतियां जलाने वालों को बाइज्जत रिहा किया गया है। इन संविधान की प्रति जलाने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हस्तक्षेप है। इसमें मोदी सरकार की पूरी मिलीभगत है, मोदी सरकार का पूरा संरक्षण है संविधान को जलाने वालों को, क्योंकि मोदी सरकार दोबारा अगर सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करने की इनकी मंशा है, जो कि संविधान की प्रतियां जलाने वालों का संरक्षण करके साफ दिखाई दे रही हैं। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक कैडराइज संगठन है। इसमें हम प्रातः संघाएँ लगाते हैं जिसमें सभी सैनिकों को क्रमबद्ध तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत संविधान के तहत चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम शारीरिक प्रशिक्षण भी देते हैं। ये प्रत्येक जिले स्तर पर, वैसे तो हमारा राष्ट्रीय केंद्रीय मुख्यालय जो ट्रेनिंग का वो नागपुर में है, बाबा साहब की दीक्षा भूमि जो है, और उसके बाद प्रत्येक रविवार को हमारी जिले स्तर पर संघाएँ लगती हैं जिनमें प्रत्येक सैनिकों को हमें प्रशिक्षण देते हैं।